सादर प्रणाम दोस्तों। दोस्तों इस समय अपने प्रयागराज के हम चुंगी पे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में चुंगी का ये फ्लाईओवर दिख रहा है बैक साइड में। तो दोस्तों आज जो कि 15 जनवरी है और कुछ लोग तो 14 को भी मकर संक्रांति मना लिए थे, तो कुछ 15 को भी, तो आज 15 को मैं आया हूँ। आज तो ज़्यादा भीड़ है 15 जनवरी को, कल तो कम भीड़ था, आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों आइए यहाँ से आपको ले चलते हैं मेला क्षेत्र में दिखाते हुए कि कितनी भीड़ है और पूरा मेला। इधर से हम परेड ग्राउंड तरफ से चलेंगे, चुंगी पे ही है तो परेड की तरफ चलेंगे। तो आइए दोस्तों फिर चलते हैं, बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं कि कितनी भीड़ है, क्या क्या मेले में आया हुआ है, सब कुछ दिखाऊंगा। आइए फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग चल चुके हैं, देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जय गुरुदेव का भंडारा लगा हुआ है, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे भंडारा चल चुका है, देख रहे हैं चल रहा है, देख सकते हैं। और प्रशासन ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि लोग इधर के लोग उधर ना होने पाए। देखिए बैरिकेडिंग लगा हुआ है और इधर जाएंगे तो आप लोग उधर भी चुंगी होते हुए नैनी चले जाएंगे, निकाल दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे भंडारा देखिए, लाइन कितनी लगी हुई है, देखिए देखिए कितने आदमी लाइन से खड़े हुए हैं। सामने प्रयागराज का फ्लाईओवर दिख रहा है चुंगी का, देखिए इधर चले जाएंगे, इधर भी आगे नैनी चले जाएंगे आप लोग रिवर रोड पकड़ के। देखिए यहाँ पे भंडारा चल रहा है जय गुरुदेव का, देखिए दोस्तों भंडारे में देखिए सब कचौड़ी आलू दम मिल रहा है। देखिए कितनी तादाद में भीड़ है आज। और दोस्तों अब हम लोग चलेंगे मेला की तरफ परेड ग्राउंड होते हुए, और सीधे जाएंगे तो उधर किला होते हुए उधर भी जा सकते हैं और इधर यहाँ से भी लेफ्ट हो सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी चल सकते हैं। तो दोस्तों आइए फिर इधर ही चलते हैं हम लोग भी। देखिए इधर परेड मैदान में सब गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इधर देख लीजिए इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं पार्किंग में सब। और इधर देखिए बाएं साइड में ये सब शौचालय बने हुए हैं, बाथरूम की व्यवस्था है, पूरी भरपूर व्यवस्था के साथ दोस्तों मेला चल रहा है यहाँ पे। देखिए इधर सब दुकानें लग गई हैं, देखिए डब्बा उब्बा मिल जाएगा गैलन वगैरह पानी के लिए, गंगा जल के लिए। इधर देखिए गाड़ियाँ सब खड़ी हो गई हैं सब परेड मैदान में। और दोस्तों यहाँ देखिए यातायात पुलिस, देखिए पुलिस अधिकारी शिविर भी यहाँ पे बना दिया गया है। ये देखिए देखिए इधर एसपीजी कमांडो सब बोर्ड लगाया गया है, सब सभी जवान यहाँ पे मौजूद हैं अभी फिलहाल। और हम लोग चल रहे हैं मेला की तरफ, संगम की तरफ दोस्तों, आप सबको लेके चल रहे हैं, जो कि आज मकर संक्रांति है। कुछ लोग कल भी मनाए थे, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं संगम की तरफ। दोस्तों हम लोग जा रहे थे मेला क्षेत्र में, ये भाई लोग मिल गए हैं, ये देख सकते हैं ये लोग भी आए थे। क्या आप लोग स्नान कर लिए हैं? जी जी, दर्शन वर्शन कर लिए? कहाँ से आप लोग आए हैं? आनापुर जानकी प्रसाद की पुरा से, जो प्रयागराज जिले में लगता है। प्रयागराज जिले में इधर यहाँ से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए ये भाई लोग मिल गए, तो अभी हम आपको ले चलेंगे संगम की तरफ, दिखाएंगे कि वहाँ पे कितनी भीड़ है। अभी हम लोग बंधा पे हैं प्रयागराज के, देखिए ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं, ये लोग इधर जाएंगे दारागंज की तरफ जाएंगे, तो हम लोग चलेंगे मेला क्षेत्र में। तो दोस्तों आइए चलते हैं मेला क्षेत्र में, आपको दिखाते हैं कि कितनी भीड़ है आज के दिन में, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है रेलवे स्टेशन प्रयागराज घाट रेलवे स्टेशन संगम शंकर विमान। बाकी हम लोग चलेंगे माँ गंगा का दर्शन करने के लिए, संगम की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर कितनी तादाद में भीड़ है आज, ये देखिए
और हम लोग अभी काली मार्ग पे हैं और चलेंगे संगम की तरफ, आगे से राइट ले लेंगे वहाँ से हम लोग। देखिए इधर सब बंद कर दिया गया है, इस तरफ प्रशासन के लोग खड़े हैं जिससे आने जाने में असुविधा ना हो, इस वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है, आने जाने में सहूलियत मिले इस वजह से ये सब किया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितनी तादाद में भीड़ है, सीधे काली मार्ग का पाटून पुल दिखाई दे रहा है, उस तरफ झूसी आप चले जाएंगे तो देख सकते हैं, बगल में थाना कोतवाली है यहाँ पे त्रिवेणी मार्ग पे देखिए, और त्रिवेणी चिकित्सालय भी यहीं पे हैं बगल में, और इधर पाटून पुल नंबर 3 जाने का मार्ग है जिसकी भार क्षमता 5 टन है। देखिए भीड़, और संगम इधर से राइट जाएंगे तो हम लोग संगम की तरफ चलेंगे, दिखाएंगे कि उधर कितनी भीड़ है आज। इधर पाटून पुल नंबर 2 है इस तरफ ये देखिए, और संगम जाने का मार्ग इधर है, पाटून पुल नंबर 2 त्रिवेणी मार्ग इधर है दोस्तों, और संगम जाने का मार्ग इधर है, हम लोग संगम चल रहे हैं। और दोस्तों देखिए हम लोग त्रिवेणी मार्ग से जैसे ही चले हैं, देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे आज के डेट में देखिए बहुत ही भीड़ दिखाई दे रही दोस्तों, देख सकते हैं कितनी भीड़ दिख रही है। और हम लोग संगम की तरफ चल रहे हैं, महावीर मार्ग पे जहाँ पाटून पुल नंबर 1 बनाया गया उधर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं तो अब हम महावीर मार्ग पे आ गए हैं, देखिए इधर पैदल वालों को जाने दिया जा रहा है, बाकी हम लोग संगम चल रहे हैं। देखिए कितने संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, आप सब देख सकते हैं बहुत ही अधिक संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों हम लोग संगम पहुँचने वाले हैं। देखिए संगम के पास देखिए कितनी भीड़ है आज के दिन में, देख सकते हैं बहुत भीड़ है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग संगम कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे, देख सकते हैं भक्तों की भीड़। दोस्तों अब हम लोग संगम आ चुके हैं, ये देखिए संगम में देखिए लोगों की भीड़ यहाँ पे, इधर देखिए माँ यमुना बह रही है इस तरफ से, ये देखिए दोस्तों ये भैया लोग भी मिल गए हैं संगम हम आए थे, देखिए दोस्तों संगम का देख सकते हैं दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं संगम पे, देखिए यहाँ पे भंडारा चल रहा है, इधर भी लोग दान कर रहे हैं लोग, उन लोगों को चावल का भंडारा चल रहा है यहाँ पे, चावल दाल यहाँ पे लोग डोनेट करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, इधर भी सेना के जवान तैनात हैं पूरी सेवा देने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों गोले भट्ट के रैन बसेरा इधर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है संगम पे। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।